हम लोग हॉस्टल से निकल चुके हैं, गांव के लिए जा रहे हैं। आज हम लोग विजिटर में सोना बिल्ली जाते हुए हम प्रीति और मकान बस अपने फार्मर की फील्ड पर जाती हुई मैं और मेरी फ्रेंड्स प्रीति, आगे है प्रियंका और पीछे आ रही हैं निकिता और मुस्कान। हम लोग फील्ड पर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा धूप है। तेज़ धूप का सामना करते हुए हम लोग अपने फार्मर के यहाँ जा रहे हैं। बहुत तेज़ धूप हो रही है इसलिए हालत बहुत ख़राब है, फिर भी चलते जा रहे हैं। वो यहाँ पर एक तालाब है और उसके पास में एक किसान अपनी बकरियों को चरा रहा है। वो देख रहा है इतना साफ पानी है तालाब का, आप लोग भी देख सकते हैं बहुत साफ पानी हम लोग देख रहे हैं। हाँ खाइए जो भी हो। क्यों प्रीति उड़ रही हो, इतनी हवा चल रही है क्या? इस लड़की को अपनी ज़िंदगी बुरी लग रही है इसलिए वो बिल्कुल खाई के पास में खड़ी हुई है। बहुत हवा चल रही है, प्रियंका पीछे हो जाओ, आप लोग आओ जल्दी यहाँ पे। अब सब लोग चले गए हैं तो मैं इधर अकेली खड़ी होकर क्या करूँ, इसलिए मैं भी देखने गई हूँ अब खाई में। यहाँ पर बकरियाँ पानी पी रही हैं, पानी पीती हुई बकरियाँ नीचे उतर गई हैं, वहाँ कुछ बकरी भी रेस्ट भी कर रही हैं। हम सभी लोग अब मेरे फार्मर के यहाँ पहुँचने वाले हैं। वो सामने गेट दिख रहा है, वहीं से अंदर होना है, वहाँ पर मक्का भी लगी है। चलो तो फिर देखते हैं। यहाँ पर पठार भी है वो दिख रही है और तेज़ धूप भी है, चलते चल रहे हैं हम लोग। बीच में कीचड़ है, मुस्कान आराम से, मैं सबसे पीछे चल रही हूँ। फाइनली हम किसान के खेत पर पहुँच चुके हैं, फाइनली हम लोग किसान के खेत में आ चुके हैं। अब यहाँ पर ये मक्का लगी हमारी और इस प्रियंका बताओ ये कौन के खेत में है। ये है मक्का का प्लांट, इसकी देखिए ये सपोर्टिंग, ये देखिए सपोर्टिंग जड़ें निकल रही हैं यहाँ पर, रूट्स जो कि पौधे को सपोर्ट प्रदान करती हैं। और ये है टेसल पार्ट जो कि बुवाई के 55 से 60 दिन में निकलता है और इसको टेसलिंग कहते हैं। और ये है सिल्क पार्ट जो कि बुवाई के 60 से 65 दिन बाद निकलता है और इसकी स्टेज को सिल्किंग कहते हैं। अच्छा चलो आगे देखते हैं। मैम क्या हो गया, इंसेक्ट मिल गया वहाँ पे क्या? हाँ। अच्छा जल्दी दिखाना इंसेक्ट, यह मैम को इंसेक्ट दिखाया है यहाँ पर। अब हम लोग इसको कलेक्ट करने वाले हैं। अब प्रियंका इस लार्वा को कलेक्ट कर रही है, जल्दी करो। ये देखिए हमने इसमें कलेक्ट कर ली है और हम आगे भी देखने वाले हैं, और भी इंसेक्ट हैं यहाँ पर जिनको कलेक्ट करना है और डिसीज़ भी कलेक्ट करने वाले हैं। हेलो मुस्कान, इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दो यार अपने। हाँ तो मुस्कान ये क्या, कौन सी फसल है? ये मेज है मक्का। इसका वर्ड निकल है, क्या है? मक्का जिया मेज। जिया मेज, क्रोमोसोम नंबर क्या है? इसमें क्रोमोसोम नंबर 20 है और इसकी फैमिली पॉलिसी। फील्ड को देखते हुए हम लोग अब किसान के घर पर जा रहे हैं। हाय प्रियंका, हमारी फ्रेंड आज वापस आ चुकी है, अभी वो घर पे थी। कैसा लग रहा है प्रियंका आज, तुम बहुत दिन बाद आई हो फील्ड पर? प्रियंका तुम मुझे एक बात बताओ, प्रियंका तुम मुझे एक बात बताओ कि तुमने जो एग्रीकल्चर से BSc की है वो क्यों की है? ताकि हम कृषि क्षेत्र में कुछ नया आविष्कार कर सकें। अच्छा, क्योंकि भारत है वो कृषि प्रधान देश है तो वहाँ का कृषक सबसे आगे होना चाहिए, इसलिए हमने कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ने का सपना देखा है और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। प्रियंका मैं तुमसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ, तुम मुझे बताओ कि यदि तुम BSc से एग्रीकल्चर नहीं करती तो क्या तुम फील्ड पर आती? नहीं आती, क्योंकि BSc से एग्रीकल्चर करते हैं उन्हीं बच्चों को फील्ड पर आने का मौका मिलता है, बाकी जो सब्जेक्ट के बच्चे होते हैं वो नहीं आ पाते क्योंकि वो अलग क्षेत्र में जाते हैं। अच्छा। हमें यहाँ इंटरेस्ट लेना पड़ता है क्योंकि वही काम है हमारा। अच्छा, मुस्कान को धक्का देना पड़ेगा। चलो अब चलते चलते हम लोग सोयाबीन के पास में आ चुके हैं, यहाँ पर सोयाबीन लगा है। अब आगे किसान का घर दिख रहा है, बस हम लोगों को वहीं पे जाना है। पास में
आंवले के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर। आसपास हरियाली हरियाली, क्योंकि खेतों के बीच में रहते हैं यहाँ पर। ये इनका छोटा सा बच्चा है, मुस्कान बच्चे को खिलाते हुए, और वो भग गया बछड़ा। अब हम लोग फार्मर के यहाँ पहुँचने वाले हैं फार्मर से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। आप ही बनाते हैं? हमें किसान से मिलना था, किसान मिली नहीं है, इसलिए हम लोग अब वापस लौट के जा रहे हैं दादी से मिलके। चलो भाई सब लोग। यहाँ पर करौंदा ज़रूर लगे हैं पर मैं खाती नहीं हूँ। मिलकर बाहर जा रहे हैं फील्ड से। हम लोग यहाँ पर आ गए हैं फिर से तालाब के पास में। ये अंकल जा रहे हैं उनकी भैंसों को लेते हुए, और ये लोग तालाब में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तुम लोग गिर मत जाना तालाब अंदर, ये लड़की नहीं मानेगी। इधर हम विजिट करने आए हैं गांव, फिर भी यहाँ पर इसको तालाब दिखा और आज फिर इसका फोटो सेशन चलने लगा। देखो, और वो ही इसकी कैम। हॉस्टल जाते हुए मैं और मेरे फ्रेंड।